नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त असमत खड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी जर्नी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ईसीआर, व्हाट इज द ईसीएनआर, डिफरेंस बिटवीन द ईसीआर एंड ईसीएनआर, हाउ टू ईसीआर टू कन्वर्ट ईसीएनआर, हाउ टू नोटेट द ईसीआर एंड ईसीएनआर। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ईसीआर का। ईसीआर की फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। दोस्तों, इसका मतलब होता है यदि आप कक्षा 10वीं पास नहीं है तब आपका पासपोर्ट ईसीआर श्रेणी में आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब भी आप भारत से बाहर निकलते हैं तो आपको हर बार इमिग्रेशन कार्यालय से मंजूरी प्राप्त करनी होगी। ईसीआर पासपोर्ट में दोस्तों एक स्टाम्प या सील होती है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है। दूसरा होता है ईसीएनआर। ईसीएनआर का फुल फॉर्म होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या 10वीं पास है, जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय आपने इस पे ईसीएनआर पर टिक मार्क किया है, तो आपका बाई डिफॉल्ट स्थिति में ईसीएनआर होगा। इसका अर्थ है कि जिन व्यक्तियों को ईसीएनआर पासपोर्ट है उन्हें हर बार इमिग्रेशन कार्यालय से निकासी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ अपना वीजा और टिकट लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी डिस्कस करते हैं ईसीएनआर और ईसीआर में क्या डिफरेंस है। ईसीएनआर और ईसीआर में एक डिफरेंस है दोस्तों, जब आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि हर बार आपको जब भी आपका वीजा आता है या आप भारत से बाहर जाना चाहते हो तो आपको इमिग्रेशन कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं इमिग्रेशन करवाना, तो आपको इमिग्रेशन करवाना होता है। जबकि ईसीएनआर में क्या होता है दोस्तों, आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड होता है, आपको इमिग्रेशन कार्यालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आपका वीजा या टिकट लेके आप ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा, हाउ टू चेंज ईसीआर टू ईसीएनआर। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो ईसीएनआर में किस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन दोस्तों ये है, अगर आप 10वीं बास क्लास पास हैं और आपने पासपोर्ट बनाने के समय कुछ गलती की, जैसे आपने टिक मार्क नहीं किया कि आपको ईसीएनआर पासपोर्ट बनाना है, तो आप अपने पासपोर्ट कार्यालय जाके उसको सही करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर आपने किसी गल्फ कंट्री में या किसी जो जिन कंट्री के लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है उन कंट्री में आपने 3 साल से ज्यादा काम किया है, तो आप अपने कोर्ट से एफिडेविट बनवा के पासपोर्ट कार्यालय जाके आप अपना पासपोर्ट ईसीएनआर करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर देखते हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर में कैसा पता चलेगा, अगर हमने पासपोर्ट बना दिया है तो हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले 2013 से जो पहले जो भी पासपोर्ट बने हैं उनमें एक सील लगी होती है, जैसे कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाली सील होती है, वो पेज नंबर 2 या पेज नंबर 3 के अंदर होती है। ये पासपोर्ट 2009 में बना है, तो इसका फादर मदर के पीछे जो पेज है उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस पासपोर्ट ऐसे पासपोर्टों के पेज नंबर 2 या फिर पेज नंबर 3 पे ये सील लगी होती है। जिनके पासपोर्ट पेज नंबर 2 या 3 पे सील नहीं लगी होती है, वो बाई डिफॉल्ट ईसीएनआर श्रेणी में आता है, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड श्रेणी में आता है। फिर दोस्तों, अगर पासपोर्ट 2014, 15 या 16 में बना है तो उनके क्या होता है कि फादर मदर वाला जो पेज होता है वहां पर लिखा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, यानी कि इस बंदे का इमिग्रेशन चाहिए। अगर इसको वीजा मिलता है या फिर आप भारत से बाहर जाना चाहता है तो इसको इमिग्रेशन कार्यालय से अपने इमिग्रेशन करवाना होगा। जैसे दोस्तों ये देखते हैं, ये पासपोर्ट 2015 में बना है, 2025 में इसका एक्सपायर हो रहा है, लेकिन इसका यहाँ पे इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखवा है। इसका मतलब कि इसने पासपोर्ट बनाते समय अपना 10th का मार्कशीट लगाया है या फिर ईसीएनआर का जो कॉलम होता है उस पर टिक मार्क किया है, इससे इस बंदे को अपना इमिग्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो अपना पासपोर्ट बिना इमिग्रेशन के बाहर जा सकता है। और दोस्तों, थर्ड कंडीशन ये है कि जिन बंदों का पासपोर्ट गल्फ कंट्री में बना, जैसे कुवैत, ओमान, सऊदी, कतर, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बना है, जैसे जिस कंट्री का में इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड जिनके रिक्वायर्ड है वहाँ कंट्री में बना है, तो उसका बाय डिफॉल्ट ईसीएनआर श्रेणी में चला जाता है, उसका इमिग्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर देख रहे हो कि आप इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसको इमिग्रेशन नहीं चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके लोगों के साथ अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।